फिल्म मेकिंग इज सच, तो कोई आदमी अच्छा सब्जेक्ट भी बनाना हो तो उसमें क्या था, एक आपने एक तो लाइन लिखी, आपने अपने हिसाब से सोचा कि यार ये सब्जेक्ट है मेरा, ऐसे ऐसे है और मैं ऐसे करूंगा वो करूंगा, लेकिन व्हेन सम अदर ब्रेन एंटर इन दैट तो उसकी सोचने का नजरिया और होता है. सो यू नो सम टाइम विद द डिस्कशन वी गेट गुड यू नो थॉट्स फॉर द फिल्म. So far, I've been really comfortable. He's been helping me out in most of my scenes, and whatever I have shot with him till today has been very nice and very, very nice. I mean, he's got no ego and no moods which he plays with and stuff like that. So it's been very nice. जी आप बताएं कि इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या है. देखो साहब, सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ी जो अहम बात है, मतलब जो खास बात ये है इस सब्जेक्ट में, कि देयर इज एक बाप जो है अपने बेटे को एक वचन देता है. ही सेज आई टेक योर ओथ कि मैं गीता की शादी अपने दूसरे लड़के से करवाऊंगा. करेक्ट. एंड दैट मैन द फादर यू नो ही ट्राइज टू complete his you know oath and all that, but in this process he dies. And before his death wo apne Vinod Khanna ko keh ke jata hai ladke ko ki beta I'm dying and all that, par meri mujhe afsos hai ki main Geeta ko diya vachan pura nahi kar saka, lekin mujhe tum pe bharosa hai ki tum ye mera vachan jo hai isko tum zarur pura karoge. And the man Vinod Khanna, he fulfilled that. That is the absolutely best of the film. तूने आज जो मेरी बहन के साथ हरकत की है उसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत नहीं धर्म. इसकी सजा मौत नहीं है, इसकी सजा जिंदगी है. बाबा ये जीने के काबिल नहीं है. आज इसने जो गीता के साथ रानू ने सब बता दिया, लेकिन अगर तुमने इसे मार डाला तो गीता अपने घर के पास जिंदा नहीं रह सकेगी. लेकिन बाबा मैं उसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर अपने घर लाऊंगा और उसकी मांग में संदूर किसी के हाथों से खा जाऊंगा. देखिए साहब, फोटोग्राफी मैं 30 साल से कर रहा था, लेकिन आई वॉज इन दिस ट्रेड एक्चुअली. So because you know I have seen so many directors, I have worked with so many directors and all that, so I can you know just learn from them. लोगों के एक्सपीरियंस साथ में रह रहे के जो हम लोग सीखते हैं वो मैंने काफ़ी मतलब जमा किया लोगों के एक्सपीरियंस ले लेके. और जब हम ये काम में करते रहते हैं बिकॉज बीइंग ए कैमरामैन, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी, नॉट रादर इजी यू कैन से कि इट इज़ अ सिंपल थिंग फॉर मी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्क ऑन द स्क्रिप्ट, उस पर मैंने काम किया. फिर उसके बाद हर सीन, ये सीन मैंने जो है वो उस फलाने डायरेक्टर ने ऐसे किया था यू नो दैट वे. सो इट्स ऑल कम्बिनेशन ऑफ अदर डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट विच आई हैव लर्न फ्रॉम देम एंड आई एम यूजिंग इट देयर एक्सपीरियंस एज माई ओन एक्चुअली इन दिस यू नो वाइल डायरेक्टिंग द फिल्म एंड ऑल.
कई शेड हैं, जैसे विनोद जी से प्यार करती हूँ और इस गाने में खास मैं अपने आप को उनके हवाले करके मनाना चाहती हूँ, लेकिन वो तो कभी मानते नहीं और अंत में उन अपने अपना प्यार जाहिर करके मैं अपनी जान दे देती हूँ उनके लिए और उनको खुश देखना चाहती हूँ। दैट इज माय रोल इन द फिल्म एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। फिल्म इज डूइंग वेरी वेल, डूइंग वेरी वेल।